हेलो एवरीवन, संगनी यूजफुल टिप्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फैब्रिक स्क्रैप्स के क्या यूजेस कर सकते हैं। कई बार हमारे पास छोटे छोटे पीसेस भी रह जाते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि हम क्या बनाएं। जैसे ये प्लेन पीसेस हैं, काफ़ी सारे पड़े हुए हैं मेरे पास, तो आज की वीडियो में मैं इन्हें सबका यूज़ करना बता रही हूँ कि आज क्या बना सकते हैं। फर्स्ट मैंने एक ये स्ट्राइप्स लिया है, अप्रोक्स 3 इंचेस, आप इतना ये 3 इंचेस होगा, और मैं इसको बीट्स के थ्रू फैब्रिक ज्वेलरी बनाने जा रही हूँ। तो मेरे पास ये बीट, मेरी ये एक माला थी जो कि थ्रेड इसका टूट गया तो ये वेस्ट हो गई है, या तो मैं इसको पिरो के दोबारा बना लूँ धागे डाल के, लेकिन मैंने सोचा चलो कुछ नया करते हैं। आप अपनी ज्वेलरी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, आप जो भी आपको ड्रेस मैच चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। लाइक आपका कुर्ता येलो कलर है तो आप उससे कुछ कंट्रास्ट में बना सकते हो। सेम और आपके पास बीड्स अगर नहीं है तो आप कुछ अंदर फिलिंग के लिए कॉटन यूज़ कर सकते हैं, कुछ इस तरह से कॉटन है या फिर रुई वगैरह है, जो सिंथेटिक रुई होती हैं वो यूज़ कर सकते हैं, तो इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं। चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं हम अपना काम। तो मैंने ये फैब्रिक ले लिया 3 सेंटीमीटर एंड इसको इस तरह से रैप किया है। जो ये एजेज हैं इसको हम इनसाइड करेंगे, और यहाँ से भी दूसरी साइड से भी हमने इन कर दिया है, तो जो कटिंग वाला पोर्शन है वो अंदर हो जाएगा और ये इस तरह से रोल हो गया है ऐसे। हमें इसमें आप चाहें तो थ्रेड यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पे ये वुल यूज़ कर रही हूँ ऊन येलो कलर की, क्योंकि इसमें कुछ कुछ प्रिंट्स येलो आ रहे हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट लुक आएगा। पहले आप स्टार्टिंग पे डालेंगे, उसको अच्छे से टाई कर दें। आपका एक बार एक स्टार्ट वाला पोर्शन टाई हो जाएगा तो आप नीचे नीचे स्टार्ट कर सकते हैं। जितना हमें रैप करना है हम उतनी बस कट कर लेंगे, बाकी ऐसे ही छोड़ देंगे और इसको इस तरह से रैप कर देंगे। ये मैंने पहले फर्स्ट स्टार्टिंग किया है रैप, उसके बाद इसको इन करके जैसे मैंने बताया था कटिंग वाली एजेस अंदर करके फिर हम फिर से रैप करेंगे। सेंटर में बीट्स इधर उधर नहीं होना चाहिए, नहीं तो थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है लाइन आपकी। देखिए अब ये बिल्कुल टाइट हो गया है, बिल्कुल राउंड शेप है। अब आपको ये इजी रहेगा रैप करना, आप चाहे तो जितना रिक्वायरमेंट है आपको रैप करने के लिए उतना वुल कट कर सकते हैं। ये देखिए और ये नोट आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे करके ऐसे इस तरह से नोट दे देंगे। उसके बाद मैं सेकंड बिट पुट कर रही हूँ, सेम प्रोसेस, कटिंग वाला एजेस अंदर जाएगा।
करेंगे। तो अच्छे से टाइट करके फिर से स्टार्ट करेंगे। ये आप साड़ी के ब्लाउजेस के साड़ी पर भी, अगर आपके पास कुछ ज्वेलरी नहीं है मैचिंग की तो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। साड़ी ब्लाउज़ कंट्रास्ट में कुछ भी अपने खुद की ज्वेलरी घर पे बना सकते हैं। ये इसे इस तरह से हमने फिर से नॉट दे दिया, ये इधर से टाइट हो गया। बीट कोई ज़रूरी नहीं है, आपके पास कोई भी बीट्स हो तो वुडन बीट्स आती हैं जो सिल्क थ्रेड ज्वेलरी में यूज़ होती हैं, आप उन्हें भी यूज़ कर सकते हो। इस तरह से देखिए, इस तरह से आप अपना ब्रेसलेट है, बैंगल्स हैं, कुछ भी कंट्रास्ट कलर में आप बना सकते हो। मैं ये एक और बता देती हूँ आपको एक बार फिर से। सेम प्रोसेस, अंदर रखेंगे कटिंग वाला एरिया और इसको टाइटली नॉट कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड, ये बीट्स इसी तरह से हम ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे जितना हमें लेंथ चाहिए। अगर आप साड़ी के साथ डालते हैं तो आप फुल लेंथ क्रिएट कर सकते हैं, लॉन्ग लेंथ की बीट ज्वेलरी बना सकते हैं यहाँ तक की। चलिए मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ये सब अपने बीट्स कंप्लीट कर लिए रैप कर करके। अब लास्ट एंड है जो हमें यहाँ पे इस तरह से हमें रिक्वायर्ड लेंथ जितना भी हमें चाहिए अपना ऊन लेके उसको यहाँ पे मैं रैप करना स्टार्ट करूँगी इसको फिनिशिंग के लिए। तो मैंने यहाँ पे ये देखिए इस तरह से जैसे हमने यहाँ पे बीच बीच में रैप किया था वही सेम प्रोसीजर यहाँ एंड्स को भी फॉलो करना है। तो ये जो हमारा कपड़ा कटिंग हुआ था वो हाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं इस तरह से लूप में से निकालूंगी ताकि यहाँ पे ये नॉट भी लगती जाए साथ में। इस तरह से ये टाइट हो गया है, और ले लेते हैं एक बार और। एक बार और लेते हैं इसको। ये देखिए यहाँ पे ये मेरा एंड पे फिनिश हो गया है। बराबर से नॉट देंगे। और एक्स्ट्रा को कटिंग कर देंगे। ये देखिए ये हमारा
अपने रिक्वायर्ड लेंथ के हिसाब से ये लेंथ नेकलेस हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी कि ये जो एंड्स हैं यहाँ पे आपको क्या करना है। यहाँ पे कोई बीट्स डालेंगे, देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने लास्ट में नीडल के अंदर यहाँ से वो निकाल के उनको, और ये मेरे पास बीट रखी हुई थी तो मैंने इसको ही डाल दिया। इसको इस तरह से हम सुई निकाल लेंगे अपनी, और यहाँ पे हम एक गांठ लगा देंगे। इस तरह से हम अपने एक यहाँ पे ये हो गया। तो इस तरह से हमारा ये नेकलेस तैयार हो गया है, ये देखिए। और ये आप अपनी रिक्वायर्ड लेंथ के हिसाब से इसको आगे पीछे करेंगे, जहाँ पे भी आपको पहनना है आप उतना इसको कर सकते हैं, लेंथ अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट। आप चाहे आप अपने किसी भी साड़ी के साथ या ब्लाउज के साथ कंट्रास्ट में ज्वेलरी बनवा सकते हैं इस तरह से, और साड़ी पे भी बहुत अच्छी लगती है। अगर आपको मेरी ये ज्वेलरी वीडियो पसंद आई है ज्वेलरी की, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, प्लस बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।